ओके सो हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन और अपॉन कहाँ पे यूज करते हैं. ऑन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग. ऑन क्या दिखाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पोजीशन पे है, जो किसी चीज के सरफेस के ऊपर रखा है. जैसे ये लैम्प है, ये टेबल के ऊपर रखा है तो वो रेस्ट पोजीशन पे है. अपॉन डिनोट्स मोशन. अपॉन क्या दिखाता है, मोशन को डिनोट करता है. जैसे कि ये कैट है और ये दिखा रहा है कि टेबल के ऊपर से जंप कर रही है, तो ये मोशन में है, ये हिल रही है. सो द लैम्प इज ऑन द टेबल. क्योंकि लैम्प टेबल के ऊपर रखा है और रेस्ट पोजीशन पे है तो हमने ऑन यूज किया है. द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. जो कैट है वो टेबल के ऊपर से जंप कर रहा है और वो मोशन की पोजीशन पे है, इसलिए हमने अपॉन का यूज किया है. द लैपटॉप इज लाइंग ऑन द चेयर. जो लैपटॉप है वो चेयर के ऊपर है, जो कि हमारा रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए हमने ऑन का यूज किया है. द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल. डॉग ने जो है टेबल के ऊपर से जंप किया है और यहाँ पे जो डॉग है वो मोशन की पोजीशन पे है, इसलिए हमने अपॉन वर्ड यूज किया है. ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं विद और बाय. विद रिलेट्स विद द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर डूइंग एनीथिंग. विद का हम यूज कब करते हैं कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पर्सन इस्तेमाल कर रहा है. बाय रिलेट्स टू द एजेंट और द ड्यूअर. जो बाय है वो एजेंट से रिलेट करते हैं कि वो चीज किसने लिखी है या उस तरीके से. जैसे हम इन पिक्चर में देख सकते हैं, जो सोहन है उसने डॉग को स्टिक के थ्रू मारा है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है. यहाँ पे जो बुक है प्रेमचंद्र की कहानियां, वो किसने लिखी है, बाय प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र ने लिखी है और प्रेमचंद्र उस बुक के राइटर है, ऑथर है उस बुक के. तो यहाँ पे एजेंट है प्रेमचंद्र जिनको हमने यूज किया है. सो सोहन बीट हिज डॉग विद अ स्टिक. यहाँ पे सोहन ने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है इसलिए हमने विद लिखा है. दिस बुक वॉज रिटन बाय हिज फादर. यह किताब उसके पिता ने लिखी है, तो यहाँ पे हमने बाय का यूज किया है. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ गन. जो टाइगर है उसको हंटर ने मारा था गन से. तो अब यहाँ पे सेम सेंटेंस में हमने दो प्रेपोजिशंस भी यूज किए हैं और ये हम कर सकते हैं सेम सेंटेंस में दो प्रेपोजिशंस का यूज. ही किल्ड द स्नेक विद अ रॉक. उसने स्नेक को मारा था पत्थर से, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है. ठीक है. बिटवीन और अमंग. बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्संस प्लेसेस और थिंग्स. बिटवीन जो है वो हम दो इंसानों के बीच में, दो जगहों के बीच में और दो चीजों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं. अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्संस प्लेसेस और थिंग्स. अमंग जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है. दो से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, दो से ज्यादा प्लेसेस हो सकती है और दो से ज्यादा चीजें हो सकती है. जैसे लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे जो बच्चा है वो दो लोगों के बीच में खड़ा है, तो ये बिटवीन. और यहाँ पे आपको पिक्चर में बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, तो अगर हम यहाँ पे बोले कि इनके बीच में टॉफीज आपको बांटनी है, तो वहां पे हम अमंग वर्ड यूज करेंगे जहां पे हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं. सो द टू ब्रदर्स क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्स. दो भाइयों में आपस में लड़ाई हुई, तो यहाँ पे जब टू यूज किया तो बिटवीन आया. द थ्री ब्रदर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्स. अब जब हमने मोर देन टू कर दिया, थ्री किया, तो वहां पे हमने अमंग वर्ड यूज किया. अ स्मॉल टेबल वॉज कैप्ड बिटवीन टू चेयर्स. सो दो चेयर्स के बीच में हमने एक स्मॉल टेबल को रखा था, तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड यूज है क्योंकि वो दो चेयर्स की बात हो रही है. ही हिड माय बुक अमंग द नोटबुक्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स. उसने मेरी किताब छुपा दी दूसरे बच्चों की नोटबुक्स के साथ में. तो जब और बच्चों की नोटबुक्स होंगी तो उसमें बहुत सारी होंगी, तो यहाँ पे अमंग का यूज हुआ है. ठीक है. बिसाइड्स. अब यहाँ पे हमारे पास बिसाइड है और यहाँ पे बिसाइड्स है, इसमें एस लगा है. तो बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ और समटाइम्स आउटसाइड ऑफ. बिसाइड का मतलब होता है कोई चीज जिसके बारे में आप, कि कोई चीज आपके साइड में है या फिर जो आउटसाइड है, जो बिल्कुल बाहर है, उसके बारे में बात करते हैं. बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू.
मतलब उसमें और चीजों का ऐड होना, जैसे रिया डांस बिसाइड लिया, रिया जो है वो लिया के बिसाइड में डांस कर रही है। रिया हैज मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स लिया, रिया के और भी बहुत सारे दोस्त हैं लिया के अलावा। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या, एडिशन, उसने बताया है कि उसके और भी दोस्त है, तो उसमें चीजों को ऐड किया है। और यहाँ पे उसने पोजीशन को डिस्क्राइब किया है कि वो उसके साइड में डांस कर रही है। सो शी केम एंड सेट बिसाइड मी, वो आई और मेरे साइड में बैठ गई। योर आंसर इज बिसाइड द मार्क, आपका जो आंसर है वो आउटसाइड है, मतलब इस क्वेश्चन से मैच नहीं करता, वो जो मार्क्स है उसके बिल्कुल अलग जा रहा है। बिसाइड्स दिस आई हैव थ्री अदर स्टोरी बुक्स, इस बुक के अलावा मेरे पास और भी थ्री एक्स्ट्रा स्टोरी बुक्स है, तो ये एडिशन हो गया। द फिशरमैन वेटेड बिसाइड द रिवर, फिशरमैन ने जो है वेट किया रिवर के बिसाइड में। बिसाइड्स वाटर वी ब्रॉट सम कुकीज, पानी के अलावा हमने कुछ कुकीज भी खरीदी। नाउ अब नेक्स्ट सीखते हैं सिंस फॉर फ्रॉम। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड आफ्टर द परफेक्ट टेंस, सिंस और फॉर को हम परफेक्ट टेंस के बाद यूज करते हैं। फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद एनी फॉर्म ऑफ टेंस, और फ्रॉम को हम किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। सिंस एंड फ्रॉम डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस और फ्रॉम जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। फॉर डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। जैसे कि हम इसको देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 5 बजे घर से निकला है और वो 8 बजे घर में वापस आया है, तो वो बीच में कितनी देर बाहर था, 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए बाहर था। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 5 o'clock, कि वो बच्चा 5 बजे से बाहर था, और फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे के लिए बाहर था। तो सिंस को हमने कैसे यूज किया, एक पहले सिंस आया, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट आया, जो स्टार्टिंग पॉइंट वो उसने शुरू किया था। और सिंस को हम यूज कर सकते हैं पहले सिंस लिखकर, फिर कोई भी टाइम या कोई भी डेट लिखकर, जैसे 6 o'clock, सिंस 2 June, सिंस थर्सडे, ऐसे मार्च के आगे 1995, सिंस 1991, सिंस आई वॉज यंग, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम इन सारे, इन सब के आगे सिंस लगा सकते हैं। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम फॉर के लिए बात की थी, तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, कि वो कितने पीरियड से बाहर था, तो फॉर 3 आवर्स हो गया। ऐसे ही हम फॉर को यूज कर सकते हैं, फॉर प्लस नंबर प्लस टाइम वर्ड, जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 6 डेज, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर अ हाफ आवर, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर। तो इस तरीके से हम फॉर को यूज कर सकते हैं। अब फ्रॉम हम यूज करेंगे यूज टू टॉक अबाउट ओरिजिन्स, जहां पे ओरिजिन्स की बात हो रही है, सोर्सेस की बात हो रही है, और स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात हो रही है। जैसे आई एम फ्रॉम द US, तो ये ओरिजिन की बात हो रही है। दिस सीन इज फ्रॉम एन ओल्ड मूवी, वी जस्ट गॉट होम फ्रॉम वर्क। तो इन सब ने हमने यहाँ पे से यूज किया, ओरिजिन, सोर्सेज और स्टार्टिंग पॉइंट्स। और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक के बारे में बात हो रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तो हमने सिंस यूज किया है। शी स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, वो जब 10 साल की थी तब से वो इंग्लिश पढ़ रही थी। आई विल ज्वाइन द डांस क्लब फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से डांस क्लब ज्वाइन करूंगी। आई हैव बीन गोइंग टू द डांस क्लब सिंस लास्ट मंडे, और ये अब आपको पहले की बता रहा है कि वो कब से जो है डांस क्लास में जा रही थी, इसलिए सिंस वर्ड यूज किया है। आई हैव बीन इल फॉर डेज, यहाँ पे फॉर यूज किया है कि वो एक पीरियड बता रहा है आपको टाइम की, वो इतने दिन से बीमार
बीमार थी। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि हम कैसे इन चीजों को प्रेपोजिशंस को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर भी, और हमने सेंटेंसेस भी सीखे कि उनमें कैसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के प्रेपोजिशन देखे, उसकी डेफिनेशन देखी और वो किसके अंदर आते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।